शिमला के संजौली में अवैध मशीन निर्माण मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रशासन ने हिंदू संगठनों को नहीं दी है प्रदर्शन की अनुमति, फिर भी जुटे प्रदर्शनकारी। शिमला के संजौली इलाके में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर आज भारी सुरक्षा बल की तैनाती, एसपी भी मौके पर मौजूद, धारे में 163 लागू। खबर के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारी कमल गौतम को हिरासत में लिया, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। हिंदू संगठनों के मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने की मांग की। प्रदर्शन के मद्देनजर संजौली में बाजार दिखा बंद। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उठाया था अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा। 2010 के बाद से मस्जिद के कई तलों के अवैध निर्माण का दिया था हवाला। अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर घिरे राहुल गांधी। इल्हान ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का किया था विरोध। अमेरिका में दिए आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई, कहा मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी का आरोप, आरक्षण पर उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। बोले सत्ता में आने पर हम आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा करेंगे। Misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया वार, कहा भारत में लोकतंत्र को किया जा रहा है कमजोर। 2014 के चुनाव के बाद देश में बदले हालात। राहुल गांधी का भारत में 90% आदिवासी, निश्चित जाति, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। असल समस्या उनकी भागीदारी को लेकर है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ध्रुवीकरण में करती है यकीन। राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर भी बड़ा विवाद, राहुल के बयान का आतंकी पन्नू के समर्थन करने पर उठ रहे हैं सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल के सिखों पर दिए गए बयान पर पलटवार, विदेश में भारत को बदनाम करने का लगाया आरोप। सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था, उस पर माफी मांगनी चाहिए इनको। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर विपरीत बीएसपी सुप्रीमो मायावती, राहुल के आरक्षण को 50% ज्यादा करने वाले बयान को गुमराह करने वाला बताया। मायावती ने कहा कांग्रेस की नीयत साफ होती तो आरक्षण पर केंद्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें ये काम कर चुकी होती। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया, ना ही SC ST आरक्षण को सही तरीके से लागू किया। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्च पहुंचे पीएम मोदी, सेमिकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है सरकार। सिंगापुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने किया था इससे जुड़ा बड़ा समझौता। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, बीजेपी की ओर से 25 विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट का नहीं आया कोई प्रस्ताव। हरियाणा में आप ने जारी की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम है लिस्ट में शामिल। 12 सितंबर को है नामांकन की अंतिम तारीख। कांग्रेस नेता भीम सिंह राठिया आम आदमी पार्टी में शामिल, दिया गया टिकट। आज ही बीजेपी से आप में आए सतीश यादव टिकट में आया नाम, रेवाड़ी से मिला टिकट। बीजेपी से आप में आए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई सुनील राव को अटेली विधानसभा से मिला टिकट। दिनेश फोगाट आज जुलाना से भरने जा रही है पर्चा, जुलाना में 15 साल से नहीं जीत पाई कांग्रेस। जेपी नड्डा अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत 9 राज्यों की समीक्षा की। बीजेपी नेता विनोद तावड़े का दावा, 8 दिनों में बीजेपी के 2 करोड़ सदस्य बनाए गए। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन आज शाम समस्तीपुर से दरभंगा के लिए रवाना होंगे। लगातार बिहार के राजनीति में चल रही उथल पुथल, नीतीश के साथ गठबंधन को लेकर तेजस्वी ने किया इनकार। राज्यसभा जाते ही आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सीट बंटवारे पर बदले सुर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिया बयान, कहा लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला लागू हुआ उससे पहुंचा नुकसान। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के पुराने संसदीय भाषण के आधार पर साधा निशाना। लालू पर 1989 में लोकसभा के अंदर बीजेपी और संघ के पक्ष में भाषण देने का किया था दावा। नीरज कुमार ने लोकसभा में लालू के भाषण जुड़े दस्तावेज दिखाए, इन सवालों को उठाते हुए तेजस्वी से मांगा जवाब। पटना में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े अपराधी हैं। तेजस्वी की यात्रा पर अनंत सिंह ने कहा आरजेडी को इस बार चुनाव में 8 सीटें आएंगी, वो खुद अपराधी हैं, बाप कितने दिन जेल में रहे नहीं जानते क्या। तेजस्वी की यात्रा को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया कटाक्ष, कहा हिम्मत है तो अपने माता पिता के शासन काल में हुए 118 नरसंहार के लिए माफी मंगवाएं तेजस्वी। केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी पर आज फैसला, राहुल जामनी कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। संसद की सुरक्षा सेल मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला, 6 आरोपियों में से 1 की जमानत याचिका पर आएगा आदेश।
लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में आज होगा सजा का ऐलान, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 दोषी करार। दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मालिकों की जमानत याचिका पर मांगा जवाब। महाराष्ट्र में आरक्षण रद्द करने के फैसले पर दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, कॉलेजेस उच्च शिक्षण संस्थान और नौकरियों में मराठा समुदाय के आरक्षण का है मामला। बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का अटैक, दो बच्चों पर फिर भेड़े ने किया हमला। भेड़े के हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती, लोगों के दिलों से नहीं जा रहा खौफ। बहराइच में वन विभाग के मुताबिक आदमखोर भेड़िए के झुंड का अब सिर्फ एक भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है, 6 में से 5 पकड़े गए। पाली में कार के साथ 2 युवक नदी में फंसे, दोनों ने कूद के बचाई जान, बहती बाइक को बचाया गया। पाली में बांध ओवरफ्लो होने पर उमड़े लोग, ढोल बजाकर किया स्वागत, देखने को मिला अद्भुत नजारा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, ममता सरकार एक बार फिर डॉक्टरों से संपर्क करने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी के प्रस्ताव को डॉक्टरों ने ठुकराया, डॉक्टर्स ने हेल्थ सेक्रेटरी के ईमेल को अपमान बताया, डॉक्टर्स ने कहा ममता करेंगे संपर्क तो सोचेंगे। कानपुर में दर्दनाक हादसे में 2 साल के मासूम बच्चे की मौत, कार सवार ने कुचला, सीसीटीवी में कैद घटना। गाड़ी बैक करने के वक्त आगे बढ़ते हुए कार सवार ने गली में सड़क पर खेल रही मासूम पर सीधा चढ़ा दी कार, हादसे के बाद भी रुकने के बजाय हुआ फरार, मौके पर मासूम ने तोड़ा दम। कोलकाता के एक कारोबारी के घर में मिला 9 किलोग्राम सोना, बैंक फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन, कई दस्तावेज जब्त। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में चोपड़ा में बीएसएफ कांस्टेबल की मौत। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, बाजार में छेड़खानी की शिकायत के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। एमपी के सिडनी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शुरू किया अनोखा अभियान, सीटी बजाओ नशा भगाओ, गांव जाकर महिलाओं को सीटी देकर बोल रहे हैं शराबी उत्पात मचाए तो सीटी बजाओ। कानपुर और अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को देखते हुए झांसी रेलवे हुआ सतर्क, आरपीएफ और पीडब्ल्यूआई ने झांसी मुंबई रेल मार्ग पर चलाया चेकिंग अभियान। महाराजगंज में कस्टम विभाग द्वारा पकड़े गए 1400 क्विंटल चाइनीज लहसुन लैब टेस्ट में फेल किया गया डिस्ट्रॉय। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। एमपी के सिडनी में भारी बारिश के बाद घरों दुकानों में पानी घुसा, तैरते नजर आए लोग, कमर तक पानी भरने से लोगों का रेस्क्यू करने उतरे विधायक। महाराष्ट्र की गोंदिया में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के चलते शहर में बाढ़ का कहर, कई घरों में घुसा पानी। एमपी के मंडला में नर्मदा नदी के बीच फंसे 4 युवक, जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच फंसे युवक। महाराष्ट्र की गोंदिया में बाघ नदी पुल पर फंसा एक डीजल टैंकर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के खरगोन में लगातार बारिश से पुल बहा, नदी नाले उफान पर कई रास्ते बंद। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश से बांध हुआ ओवरफ्लो, निचले स्तर के गांवों में अलर्ट। गुजरात के महसाणा में हो रही बारिश, राजमार्ग के सामने एक तस्वीर है, नैनीताल चंपावत बागेश्वर उधम सिंह नगर और चमोली जिले में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के चंबा में आज मड़ी महेश झील तक पहुंचेगी झड़ी यात्रा, 13 सितंबर तक संत पार करेंगे झील। 15 घंटे बाद शुरू हुई केदारनाथ की पैदल यात्रा, सोनप्रयाग हाईवे पर भूस्खलन के बाद 5 यात्रियों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के सतना से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, सीवर लाइन के रेस्टोरेशन के दौरान एक युवक पर चढ़ी जेसीबी, बाल बाल बचा युवक। पंजाब के फरीदकोट में दिल दहलाने वाली घटना, 2 मासूम बच्चों को गांव में ही बने वाटर बॉक्स के वाटर टैंक में डूबने से मौत। राजगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एसआई की मौत, मामले में महिला आरक्षक से थाने में हो रही पूछताछ। बांका में मंगलवार तालाब में डूबी 4 बच्चियां, 4 की हुई मौत, गांव में मचा हड़कंप। दिल्ली करोलबाग में बारिश के दौरान नहाई मास्क पोल में तोड़ा करंट, एक रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत। सूरत में गणेश पंडाल में हुए पथराव मामले में 27 आरोपी 2 दिन की रिमांड पर, 5 आरोपियों ने कोर्ट में पुलिस पिटाई की शिकायत की। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की तरफ से पेश हुए 8 से 10 वकील, अपने अपने तरीके से कोर्ट में दलील देकर किया आरोपियों का बचाव। बेगूसराय में डांसर के संग हथियार लेकर डांस करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, गहने बेचकर दी सुपारी, पत्नी प्रेमी समेत किलर गैंग गिरफ्तार। गाजियाबाद के एक छात्रावास की 3 छात्राएं लापता, छात्राएं हॉस्टल की गैलरी में टहलते हुए अचानक हुई गायब, तलाश जारी। उदयपुर में ठग गैंग से जुड़े 13 आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से ऐंठते थे पैसे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर 90 लाख रुपए के साथ संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने दबोचा।